आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। अगर आपकी परीक्षा इंग्लिश की लगी हुई है और आप बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, परीक्षाएं लिखित होने वाली हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको मॉडल पेपर दिखाऊंगा कि किस प्रकार का मॉडल पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है इंग्लिश का। उसके बाद बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर तैयार कर लिए हैं पीडीएफ सहित, वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना होगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रूफ के तौर पे मैं आपको सबसे पहले मॉडल पेपर दिखा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन और उसके उत्तर की ओर चलते हैं, ठीक है। देख पा रहे होंगे ये सेकेंड सेमेस्टर का पूरा मॉडल पेपर है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और प्रश्न पत्र इंग्लिश पोएट्री है। सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आए थे, फिर लॉन्ग आए थे, फिर वेरी लॉन्ग आए थे, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको समय भी दिया गया कितने घंटे मिलेगा आपकी यूनिवर्सिटी में, और पूर्णांक भी दिया होगा। और मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि हमारे गांव में भागवत शुरू हो गई, इसलिए थोड़ा आपको बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा, ठीक है। मेन क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, वैसे भी आपको क्लियर तो भागवत सुनाई नहीं देगी, वरना सुनाई देते हम। चले आते हैं मेन क्वेश्चन पर। सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इसमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। कौन से क्वेश्चन हैं फिर जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, उनको आपको जरूर तैयार कर लेना, और कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने प्रश्न भी तैयार किए हैं और उसका उत्तर भी तैयार किया है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर दिशा निर्देश लिखी होती है कि भैया कितने क्वेश्चन करना है और कितने शब्दों में उसका आंसर करना है, ये जानकारी आपको लिखी होती है। इस हिसाब से आपको प्रति प्रश्न का उत्तर देना होता है, इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी में 10 क्वेश्चन आते हैं वेरी शॉर्ट के, कुछ यूनिवर्सिटी में 5 ही पूछे जाते हैं, जैसे कि इस यूनिवर्सिटी में 5 ही पूछे गए थे, जो आपकी कल परीक्षा होने वाली है शायद उसमें 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट में यानी कि जिनको अतिलेख उत्तरे बोलते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट इज ब्लड, ठीक है, व्हाट इज ब्लड, तो इसके बारे में आपको लिखना होगा। ये क्वेश्चन हालांकि हमेशा तो नहीं आता है, लेकिन कभी कदार पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे, थोड़ा बहुत तैयार कर लेंगे तो बेटर ही रहेगा, अदरवाइज आप इग्नोर भी कर देंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, हमेशा नहीं रिपीट होता है, ध्यान रखेंगे। अरे जो बैलेट है ना, इसका मतलब इसका, ठीक है, व्हाट इज़ बैलेट, बैलेट का मतलब होता है, ठीक है, शायद गीत करके कुछ होता है, एक मिनट बता दे रहा हूँ मैं, बैलेट, ठीक है, बैलेट का मतलब होता है गाथा गीत, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि व्हाट आर की फीचर्स ऑफ सोनेट, तो आपको विशेषताएं बताना है सोनेट की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोनेट से जुड़े करीब करीब आपकी परीक्षा में 2 प्रश्न जरूर आएंगे पक्का है, ठीक है। एक तो 100% गारंटी के साथ आएगा और 2 भी फंसने की पूरी उम्मीद है, तो एक तो पक्का तय ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको पहले क्वेश्चन सिलेक्ट करा दे रहा हूँ, बाकी फिर उसके बाद हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। पहले जान तो लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। और अगला प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट इज आयरनी, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था लेकिन बहुत कम आता, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला कि डिफाइन दी स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड स्लेव, ठीक है, स्लेबल्स, ठीक है, अनस्ट्रेस्ड स्लेबल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमेशा नहीं आता, कभी कदार आता, तो आपकी इच्छा तैयार कर, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ब्रिक ब्रिक ब्रिक, यानी कि सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, एक पोएम है आपके बी सेकेंड सेमेस्टर में, ब्रिक 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 इसका नाम है, ठीक है। तो इसका सेंट्रल आइडिया लिखना है, सेंट्रल आइडिया आपने देखा होगा, आप 9th-10th से लिखते आ रहे हैं, 12th से लिखते आ रहे हैं, तो इसका आप, ठीक है, सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लेंगे। और मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, हमारी भी जो इंग्लिश है ना, हम इंग्लिश के स्पेशल टीचर नहीं हैं, लेकिन फिर आप लोगों की डिमांड के हिसाब से, आप लोगों का सब्जेक्ट आप लोग कमेंट करते हैं, तो मैंने सोचा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करा देते हैं, ठीक है। बाकी हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, हमारी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारी भी इंग्लिश जो है वो कपिल शर्मा से कम नहीं है, ओके। हालांकि क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इतना तो बता ही सकता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पिछले सालों में बार बार रिपीट हो रहे हैं, उतना तो नॉलेज है ही, ठीक है। और जो क्लियर बात है हम क्लियर स्पष्ट आप लोगों के साथ साझा कर देते हैं, आप लोगों को हम जिसको आप लोग बोलते हैं कि अंधेरे में नहीं रखना चाहते, ठीक है। पता चले हम आपको बता दें हम तो ये यहाँ तीर मारते, हम तो ये कर लेते, हम हमारे पास इतना डर नहीं, जो है वो हम आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंसी करके चलना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के कभी ना लगे कि ये फेंकता है, ठीक है, ये बात नोट कर लीजिएगा। अब आ जाएंगे हम सेशन बी की ओर, यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी पूरी दिशा निर्देश दी गई भैया, इसमें लिखा है कि भैया कितने क्वेश्चन करना है, उसके बाद कितने शब्दों में आंसर करना है, उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, यही पूरी जानकारी इसमें पहले लिखी है, उसके बाद आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो आपको यहाँ पर कुछ लाइन्स दी जाएंगी, कुछ पैराग्राफ दिए जाएंगे, जैसे कि आपको हिंदी में दिए जाते हैं कुछ पैराग्राफ दिए जाते हैं, कुछ अवतरण दिए जाते हैं जिसमें से बताया जाता है कि इसकी संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, इस पैराग्राफ की कौन से लेसन से लिया गया, इसके राइटर कौन, मतलब लेखक कौन है, ठीक है। तो उसी तरह इसमें भी आपको लिखा यहाँ पर यही है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन एडिंग क्रिटिकल कमेंट्स वेयर नेसेसरी, तो आपको ये जो पूरी की पूरी
मतलब कि पैराग्राफ लाइंस दी गई हैं, इनका आप लोगों को एक्सप्लेन करके लिखना होगा, ठीक है, यानी कि व्याख्या करना होगा इसका, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शनल दिया, मतलब कि ऑप्शन भी दिए जाएंगे, यदि मान लीजिए इस पैराग्राफ को आप अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं, कोई समस्या है, तो आपको ऑप्शन अगला दिया गया अथवा करके दूसरा भी दिया गया है, ठीक है। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, हो सकता है आपको उसके बारे में नॉलेज हो तो ये लिख सकते हैं, इसके बारे में नॉलेज तो वो लिख सकते हैं, तो यहाँ पर दो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो आपके सिलेबस में बी ए सेकेंड सेमेस्टर में एक पोएम है जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस से जुड़े भी परीक्षा में आपके करीब करीब दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, तो इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है, ये भी हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिए और इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, हम उत्तर तैयार किए हैं। अगला कि व्हाट इज, ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, व्हाट इज देम ऑफ पोएम ओडे, ठीक है, टू आ नाइटिंगल, तो इससे भी जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा, क्योंकि ये भी आपके फ्लेवर्स में पोएम है, तो इससे भी जुड़ा एक आधा क्वेश्चन जरूर पक्का फंसेगा, ठीक है। अब कौन सा आएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आप दोबारा जैसे कि इसका उत्तर है आप बेसिक पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ी बहुत तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करीब करीब चार पाँच क्वेश्चन दिए जाते हैं शॉर्ट में क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट का मतलब हो गया अलग उत्तरे में, ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अब आ जाएंगे हम ठीक है सेक्शन सी की ओर, यहाँ पर आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसको हिंदी में बोल मतलब कि इसी चीज़ को हिंदी में बोलते हैं विस्तृत उत्तर जिसको, ठीक है, वो इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो सेम टू सेम इसमें भी पूरी दिशा निर्देश दी गई है कि भैया हो कितने क्वेश्चन करना है और उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, ये पूरी जानकारी दी गई है, आपको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद दीर्घ उत्तरे का पहला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम चर्च गोइंग, यानी कि एक आपके बी ए सेकेंड सेमेस्टर पोएम है जिसका नाम है चर्च गोइंग, तो चर्च गोइंग जो है इसका सेंट्रल आइडिया लिखना है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन ये है आपके एग्जाम के, चर्च गोइंग से जुड़ा हमेशा एक प्रश्न फंसता है, तो इस बार भी फंसेगा 100% श्योर है, नोट कर लीजिए। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अथवा करके मतलब कि अगर आपको उसके बारे में नहीं नॉलेज है तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं कि डिस्कस वर्ड्स वर्थ एज अ पोएट ऑफ नेचर, तो इसके बारे में भी लिख सकते हैं, वर्ड्स वर्थ से जुड़े भी क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन पक्का आएगा, हो सकता है दो ही फंस जाए, वर्ड्स वर्थ से जुड़े जो कि प्रमुख राइटर हैं इंग्लिश के आपके सेकेंड सेमेस्टर में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि करेक्टली, ठीक है, करेक्टली जिसको आप लोग बोलते हैं क्रिटिकल होता है, तो यहाँ पर करेक्टली बोला गया है, ठीक है, तो करेक्टली अप्रिशिएट द पोएम, ठीक है, पोएम एलेजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए एलेजली, ठीक है, फिर जुड़ा क्वेश्चन एक प्रश्न आएगा, ठीक है, एलेजी से जुड़ा क्वेश्चन 100% है। और अगला क्वेश्चन कि राइट आर नोट ऑन पोएटिक क्वालिटीज ऑफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ठीक है, तो इससे भी जुड़ा क्वेश्चन आएगा, एक पक्का है, निश्चित है। अगला कि हाउ डज डॉन अफेक्टेड मेटाफिजिकल एलिमेंट्स ऑन हिज पोएट्री एक्सप्लेन द रेफरेंस टू द पोएम ऑफ वेलिडेक्शन, ठीक है, वेलिडेक्शन बर, ठीक है, बर बिडिंग, ठीक है, मॉर्निंग। तो ये भी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कदार आता तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, अगला भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, राइट आर नोट ऑन टी एस इलोट एज अ पोएट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार का पूरा पेपर, मॉडल पेपर आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, और लगभग लगभग इन सभी प्रश्नों के आंसर जो हैं अभी मैं आपको पीडीएफ प्रस्तुत कर रहा हूँ उसमें मिल जाएंगे, और इन प्रश्नों के अलावा अन्य भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनके उत्तर भी हैं जो कि आपको हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो डियर स्टूडेंट, फाइनली अब हम आ चुके हैं बी ए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश की महासंग्राम पीडीएफ की ओर, इसमें वो सारे प्रश्न हैं जो भी मॉडल पेपर में थे, और उन मॉडल पेपर के अलावा अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उसके उत्तर हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज इलोट इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री, तो देख लीजिए उसका उत्तर है, बाकायदा आप लोग तैयार कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है ये तो मैं जानता हूँ। अगला है कि व्हाट इज इलोट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ठीक है, तो इलोट से जुड़ा क्वेश्चन आएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं, लेकिन इलोट से जुड़ा क्वेश्चन एक आएगा पक्का है। अगला है कि ठीक है, बैरेट ब्राउनिंग यूज हाइपरबल थ्रू आउट दी पोएम ऑफ अंडरस्कोर दी इंसेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ हर लव एक्सप्लेन, तो ब्राउनिंग फिरड़ा क्वेश्चन एक आएगा, अब जरूरी नहीं कि यही आए कि कौन सा आएगा, लेकिन एक आएगा जरूर। अगला कि एक्सप्लेन दी देम ऑफ दी पोएम ऑफ हाउ डू आई लव, ठीक है, टी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार फंस चुका तो इस बार आएगा, ठीक है।
अगला है कि हाउ डज अर्नोल्ड डिस्क्राइब द वर्ल्ड इन डोवर बीच, ये भी इंपॉर्टेंट है, डोवर बीच से जुड़ा क्वेश्चन आएगा और कई सारे क्वेश्चन आएंगे डोवर बीच से जुड़ा। अगला क्वेश्चन है कि डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ थ्रो इन डोवर बीच, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसका भी उत्तर बाकायदा प्रस्तुत है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए एलर्जी से जुड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, एलर्जी से जुड़ा क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द हिस्टोका, ठीक है, हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रे एलर्जी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसका उत्तर भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्सवर्थ से जुड़ा क्वेश्चन है, प्रमुख विद्वान ये भी हैं, राइटर हैं, तो इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द पोएटिक स्टाइल ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको इग्नोर भी कर सकते हैं आप लोग। अगला इंपॉर्टेंट है कि व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। और अगला फिर वर्ड्सवर्थ से जुड़ा क्वेश्चन है जो कि प्रमुख राइटर है वर्ड, ठीक है, वर्ड्सवर्थ से, व्हाई डज वर्ड्सवर्थ से दैट द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह इसमें इतने सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो पिछले वर्षों में कई बार रिपीटेड हैं और इस बार भी पूरी उम्मीद है आने की। तो इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आपके पास समय है तो इन सभी का आंसर भी प्रस्तुत है, आप लोग बाकायदा तैयार कर लीजिएगा। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में, इसमें फिर मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे के सारे ये क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, ओके। तो कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं शेक्सपियर से जुड़े होते हैं, हो गए जैसे शेक्सपियर से जुड़ा क्वेश्चन नहीं है तो इनसे जुड़ा क्वेश्चन आता है कि शेक्सपियर सोनेट एज आ ग्रेट पीसेस ऑफ आर्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। अगला कि व्हाट इज द नेचर ऑफ शेक्सपियर सोनेट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो शेक्सपियर से जुड़े एक दो क्वेश्चन आएंगे। हाउ डज शेक्सपियर डिफाइन ट्रू लव, इन्होंने अच्छे या फिर सत्य लव के बारे में कैसे डिस्क्राइब किया, उसके बारे में लिखना है। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो कि परीक्षा में हमेशा फंसते हैं और इस बार भी फंसेंगे, नोट कर लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन हमेशा वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द टोन ऑफ पोएम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी तरह बहुत सारे इसमें क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं और उसके उत्तर भी हैं, ताकि आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े। बाकी अगर आपका अपना ही चैनल है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं ये जानता हूँ कि आपको पूरी तरह नहीं समझ में आया होगा, तो हमारी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को फिर भी क्वेश्चन बताने का प्रयास किया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो पता है कौन कौन से आएंगे या फिर कौन कौन से आने की संभावना है, उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। बाकी हमारे पास एक और PDF इसके अलावा, उसमें भी कुछ क्वेश्चन है, वो भी आंसर सही थे, जो कि आपको मिल जाएगी अगर आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। और टेलीग्राम व्हाट्सएप का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो दोनों से ज्वाइन होने के बाद आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाइएगा ग्रुप पे, तो ग्रुप पे ज्वाइन होने के बाद तो उसमें लॉक लगा होगा कि आप कोई मैसेज सेंड नहीं कर सकता ओनली एडमिन के अलावा, तो एडमिन हमें, तो आप जैसे ग्रुप ज्वाइन होंगे तो वहाँ पर एक नीले कलर में एडमिन लिखा होगा, तो जैसे एडमिन पर क्लिक करेंगे तो आप हमारा नंबर ओपन हो जाएगा, तो उस पर मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें BA सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश की महासंग्राम PDF चाहिए, तो हम आपको तुरंत को तुरंत वो PDF सेंड कर देंगे, तो आप तैयारी कर लीजिएगा। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।